काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्राइम का ये वीडियो डेबिट नोट में जीएसटी के साथ किए जाने वाले कुछ मुख्य ट्रांजैक्शंस के बारे में है। इस वीडियो को हमने तीन भागों में बनाया है। पहले भाग में हम आपको दो महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शंस के बारे में बता चुके हैं। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए इसका पहला भाग जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताएंगे जिनमें डेबिट नोट बनाया जाता है, जैसे जब हम सप्लायर द्वारा दिया गया कोई टारगेट पूरा करते हैं और उस टारगेट पर कोई इंसेंटिव प्राप्त होता है। दूसरी परिस्थिति, जब हम सेल्स इनवॉइस बनाते हैं और उसमें गलती से कम भाव से बिल बना देते हैं, तो इस भूल को सुधारने के लिए डेबिट नोट बनाया जाता है। तीसरी परिस्थिति है, यदि सप्लायर ने गलती से ज्यादा भाव से बिल बना दिया है तो इस गलती को सुधारने के लिए भी डेबिट नोट बनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको डिस्काउंट और इंसेंटिव से संबंधित डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बनाने की एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन के बारे में बता देते हैं। जब भी सप्लायर और कस्टमर के बीच कोई सेल परचेज होती है तो उस समय ही उन दोनों के बीच किसी डिस्काउंट या इंसेंटिव के बारे में बात हो जाती है। जैसे किसी सप्लायर ने माल बेचते समय अपने कस्टमर से कहा कि भाई यदि आप 10 दिन में मुझे इस बिल का पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको 2% कैश डिस्काउंट दूंगा, या फिर इसी तरह सप्लायर ने कहा कि आप जो आइटम खरीद रहे हैं यदि पूरे माह में इसका क्वांटिटी टारगेट 100 पूरा कर लिया तो मैं आपको 50 रुपए प्रति आइटम इंसेंटिव दूंगा। तो ये एक तरह का एग्रीमेंट है। इस तरह के डिस्काउंट या इंसेंटिव को लेने या देने के लिए जो भी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट बनेंगे उनमें डिस्काउंट या इंसेंटिव पर भी जीएसटी कैलकुलेट होगा, यानी डिस्काउंट या इंसेंटिव के साथ ही उसका जीएसटी भी कम होगा। और यदि सप्लायर और कस्टमर के बीच सेल परचेज के समय इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं होता है और बाद में सप्लायर अपने कस्टमर को किसी कारण से कोई डिस्काउंट या इंसेंटिव देता है तो उस पर जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। अब इन बातों को हम प्रैक्टिकल के साथ और अच्छे से समझेंगे। चलिए पहली कंडीशन देखते हैं। जब कोई कस्टमर सप्लायर द्वारा दिया गया टारगेट पूरा करता है और उस पर कोई इंसेंटिव प्राप्त होता है तो कस्टमर द्वारा उसकी एंट्री डेबिट नोट में कैसे की जाती है, इसे समझने के लिए पहले हमें एक परचेज वाउचर बनाना होगा। आपको ध्यान होगा कि इसके पहले पार्ट में हमने सुधाकर ट्रेडर्स से 1 मई को 5 प्रिंटर और 3 सोइंग मशीन खरीदी थी। तब सुधाकर ट्रेडर्स ने हमसे कहा था कि यदि आप इस पूरे मई माह में 10 सोइंग मशीन या उससे अधिक सोइंग मशीन खरीद लेंगे तो मैं आपको 5,000 रुपए इंसेंटिव दूंगा। इसी इंसेंटिव को ध्यान में रखते हुए हमने 2 मई को सुधाकर ट्रेडर्स से 8 सिलाई मशीन और खरीद ली। चलिए आगे बढ़ने से पहले इसका परचेज वाउचर बना लेते हैं। इकतीस मई को हमने सुधाकर ट्रेडर्स से कहा कि हम मई माह में आपसे पहले 3 और बाद में 8 यानी कुल 11 सिलाई मशीन खरीद चुके हैं और जैसा कि आपने कहा था आप हमें इसके इंसेंटिव का क्रेडिट नोट दे दें। उसने हमें 5,000 और उस पर 12% जीएसटी लगाकर क्रेडिट नोट दे दिया। हमेशा ध्यान रखें, सप्लायर द्वारा दिए गए क्रेडिट नोट की एंट्री कस्टमर डेबिट नोट में करते हैं। इसके बारे में हम आपको आगे क्रेडिट नोट वाली वीडियो में डिटेल में समझाएंगे। तो आइए इस क्रेडिट नोट की एंट्री हम अपने यहाँ डेबिट नोट वाउचर में कर लेते हैं। सबसे पहले वाउचर की डेट चेक करें।
पार्टी अकाउंट नेम में हम पार्टी का नाम सुधाकर ट्रेडर सिलेक्ट कर रहे हैं। डिस्पैच डिटेल्स हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं क्योंकि हम कोई माल वापस नहीं कर रहे हैं। ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स में ओरिजिनल इनवॉइस नंबर के आगे हमें सप्लायर के वो बिल नंबर्स टाइप करना है जिन बिल्स के माल पर सप्लायर हमें इंसेंटिव दे रहा है। इसके बाद चूंकि यहाँ एक ही तारीख टाइप हो सकती है, हम आखिरी बिल की तारीख टाइप कर रहे हैं। अब हम एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेजर अकाउंट में हमें एक नया लेजर इंसेंटिव ऑन परचेस के नाम से क्रिएट करना होगा और ये लेजर हम परचेस अकाउंट ग्रुप के अंदर बनाएंगे क्योंकि इस इंसेंटिव का सीधा संबंध परचेस से है। अब नेम ऑफ आइटम में सोइंग मशीन सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें जो इंसेंटिव प्राप्त हुआ है वो सोइंग मशीन खरीदने का टारगेट पूरा करने से हुआ है। क्वांटिटी को ब्लैंक ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ माल का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। अमाउंट में 5,000 रुपए टाइप कर रहे हैं। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, हमें सोइंग मशीन पर जो इंसेंटिव प्राप्त हुआ है वो हमने टाइप कर दिया। अब हमें इस पर टैक्स लगाना होगा। हम CGST और SGST के लेजर सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, CGST 300 रुपए और SGST 300 रुपए अपने आप आ गया है। प्रोवाइड GST डिटेल्स के आगे यस सिलेक्ट करना होगा। ऐसा करते ही यहाँ हमसे रीजन पूछा जा रहा है। हम पोस्ट सेल डिस्काउंट यानी बिक्री के बाद छूट सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ सप्लायर्स डेबिट / क्रेडिट नोट नंबर के आगे हमें सप्लायर ने जो क्रेडिट नोट दिया है उसका नंबर और यहाँ उसकी डेट टाइप कर देंगे। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है। इसमें हम सोइंग मशीन का जो आखिरी बिल है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ नरेशन टाइप करेंगे और अब इस एंट्री को सेव कर देंगे। आइए अब स्टॉक समरी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, पहले सोइंग मशीन की एवरेज कॉस्ट 4,945.45 रुपए थी जो कि 5,000 इंसेंटिव प्राप्त होने पर कम होकर अब 4,490.91 रुपए हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि इंसेंटिव प्राप्त होने से सोइंग मशीन की कॉस्ट कम हो गई है। चलिए अब हम बात करते हैं अगली कंडीशन की। जब हम कोई सेल्स इनवॉइस बनाते हैं और उसमें गलती से कम भाव से बिल बना देते हैं तो इस भूल को सुधारने के लिए भी डेबिट नोट का उपयोग किया जाता है। इस तरह की एंट्री को करेक्शन इन इनवॉइस कहते हैं। इसे समझने के लिए पहले हम एक सेल बिल बना लेते हैं। हमने 1 जुलाई को दीपक ट्रेडर्स को 13,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से 2 मॉनिटर उधार बेचे। कस्टमर को बिल देने के बाद हमें ध्यान आया कि हमने तो दीपक ट्रेडर को 14,000 का भाव बताया था और बिल गलती से 13,000 रुपए के भाव से बना दिया। बिल में हुई इस रेट की गलती को सुधारने के लिए हमें पार्टी का डेबिट नोट बनाना होगा। यहां हम पार्टी का नाम दीपक ट्रेडर सिलेक्ट कर रहे हैं। डिस्पैच डिटेल्स ब्लैंक छोड़ रहे हैं क्योंकि हम कोई माल वापस नहीं कर रहे हैं। ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स में ओरिजिनल इनवॉइस नंबर के आगे हमें अपने उस बिल का नंबर टाइप करना है जो पहले हमने कस्टमर को माल के साथ दिया था, यानी जिसमें हमने गलत भाव लगा दिया था और अब उसके सुधार के लिए हम डेबिट नोट बना रहे हैं। इसके बाद यहाँ उस बिल की तारीख टाइप करेंगे। यहाँ लेजर अकाउंट में हमें सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करना होगा क्योंकि हम ये जो डेबिट नोट बना रहे हैं वो सेल्स के अगेंस्ट बना रहे हैं। पर यहाँ एक समस्या ये है कि
कि लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में सेल्स अकाउंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसे लाने के लिए हम टाइप करेंगे सेल्स। ये देखिए, ऐसा करते ही सेल्स अकाउंट आ गया है। एंटर प्रेस करेंगे। यहां हमें वो आइटम सिलेक्ट करना होगा जिसका भाव हमने बिल में गलत लगा दिया था। क्वांटिटी को ब्लैंक ही रहने दें। अब हम अमाउंट पर आ गए हैं। ध्यान रखें, हमने मॉनिटर का जो बिल बनाया था वो 13,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से बनाया था, जबकि उसका रेट 14,000 रुपए प्रति नग था। मतलब यहाँ हमें 1,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से दो मॉनिटर्स के 2,000 रुपए के डिफरेंस का डेबिट नोट बनाना है। हम अमाउंट में 2,000 रुपए टाइप कर रहे हैं। कस्टमर हमारे स्टेट का ही है, इसलिए यहाँ हमें CGST और SGST के लेजर सिलेक्ट करना होंगे। ये देखिए, 180 रुपए CGST और 180 रुपए SGST आ रहा है। प्रोवाइड GST डिटेल्स को यस करेंगे। यहाँ रीजन में हम करेक्शन इन इनवॉइस सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये डेबिट नोट हम सेल्स इनवॉइस में रेट के करेक्शन के उद्देश्य से बना रहे हैं। यहाँ मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है। इसमें हमें वो बिल नंबर सिलेक्ट करना है जिसकी गलती को हम सुधार रहे हैं। देखिए, यहाँ रेफरेंस में बिल नंबर सिलेक्ट करते ही डेबिट नोट के अमाउंट की जगह बिल का पेंडिंग अमाउंट आ गया है। और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि सामान्यतः डेबिट नोट का उपयोग सप्लायर को परचेज रिटर्न करने या सप्लायर से परचेज पर मिलने वाले डिस्काउंट को कम करने के लिए किया जाता है, पर यहाँ इसके विपरीत हम इसे कस्टमर के सेल्स अमाउंट को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए टैली यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होता है। यही कारण है कि यहाँ हमें जिस अमाउंट का डेबिट नोट बनाना है वो अमाउंट टाइप करना होगा, और यहाँ CR के स्थान पर DR टाइप करना होगा। डेबिट हम इसलिए टाइप करेंगे क्योंकि हम डेबिट नोट बना रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ नरेशन टाइप करेंगे और अब इस एंट्री को सेव कर देंगे। अब इसकी रिपोर्ट हम GSTR 1 में देखेंगे, क्योंकि ये डेबिट नोट हमने सेल्स के अगेंस्ट बनाया है और GST की सेल्स रिपोर्ट GSTR 1 में दिखती है। ये देखिए, यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट पहले 26,000 रुपए था, जो कि डेबिट नोट बनाने के बाद अब 2,000 रुपए बढ़कर 28,000 हो गया है। साथ ही टैक्स का अमाउंट भी बढ़ गया है। आइए अब हम लेजर के आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भी देख लेते हैं। उसके लिए ऑल्टर और G प्रेस करें। यहाँ लेजर टाइप करें और लेजर आउटस्टैंडिंग्स पर जाकर एंटर प्रेस करें। यहाँ से पार्टी के नाम पर जाकर एंटर प्रेस करें। यहाँ रेफरेंस नंबर 7 दिखाई पड़ रहा है, हम इस पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, ऊपर सेल्स बिल का अमाउंट 30,680 रुपए आ रहा है और उसके नीचे हमने जो डेबिट नोट बनाया है उसका अमाउंट 2,360 रुपए आ रहा है। इस तरह से अब हमें उससे कुल 33,040 रुपए लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। अगर सप्लायर ने जाने अनजाने में कस्टमर को ज्यादा भाव से बिल बना दिया हो तो इस गलती को सुधारने के लिए भी कस्टमर डेबिट नोट बनाते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। हमने अपने सप्लायर सुधाकर ट्रेडर्स से 2 जुलाई 21 को 11,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से 5 नग प्रिंटर सुधार खरीदे, जिसका बिल नंबर 8 है। आइए पहले इसका परचेस वाउचर बना लेते हैं। परचेस वाउचर बनाने के बाद हमें ध्यान आया कि हमने तो सुधाकर ट्रेडर्स से प्रिंटर 10,000 रुपए प्रति नग से भाव तय किए थे और उसने 11,000 प्रति नग के हिसाब से बिल भेज दिया, यानी 1,000 रुपए प्रति प्रिंटर के हिसाब से 5 प्रिंटर्स पर उसने 5,000 रुपए हमसे ज्यादा ले लिए हैं। तो हमें भाव की इस गलती को सुधारने के लिए डेबिट नोट बनाना होगा।
यहाँ हम पार्टी अकाउंट नेम में अपने सप्लायर सुधाकर ट्रेडर्स का नाम सिलेक्ट कर रहे हैं। डिस्पैच डिटेल्स ब्लैंक छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें कोई माल वापस नहीं करना है। ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स में ओरिजिनल इनवॉइस नंबर के आगे हमें अपने सप्लायर के उस बिल का नंबर टाइप करना है जिसमें उसने हमें ज्यादा भाव से बिल बना करके दे दिया था। यहाँ पर उस बिल की तारीख टाइप करेंगे। अब हम लेजर अकाउंट पर आ गए हैं। यहाँ हमें परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना होगा क्योंकि हम ये जो डेबिट नोट बना रहे हैं वो परचेज के अगेंस्ट बना रहे हैं, यानी परचेज वैल्यू कम करने के लिए बना रहे हैं। यहाँ हमें वो आइटम सेलेक्ट करना होगा जिसका भाव सप्लायर ने बिल में गलत लगा दिया था। क्वांटिटी को ब्लैंक ही रहने दें। अब हम अमाउंट पर आ गए हैं। यहाँ हम 1000 रुपए प्रति प्रिंटर के हिसाब से 5 प्रिंटर्स का रेट डिफरेंस 5000 रुपए टाइप कर रहे हैं। इसके बाद हमें CGST और SGST के लेजर सिलेक्ट करना होंगे। ये देखिए 450 रुपए CGST और 450 रुपए SGST आ रहा है। प्रोवाइड GST डिटेल्स को यस करेंगे। यहां रीजन में करेक्शन इन इनवॉइस सिलेक्ट कर लेंगे। सप्लायर्स डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट नोट नंबर और डेट को अभी हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं। जब सप्लायर हमें इस डेबिट नोट के अगेंस्ट भूल सुधार कर क्रेडिट नोट बनाकर भेजेगा तब हम इस वाउचर को एडिट करके उस क्रेडिट नोट का नंबर और यहाँ उसकी डेट डाल देंगे। यहाँ मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है। इसमें हमें वो बिल नंबर सिलेक्ट करना है जिसकी भूल सुधार हम कर रहे हैं। यहाँ नरेशन टाइप कर देंगे और अब इस एंट्री को सेव कर देंगे। अब इसकी रिपोर्ट हम GSTR2 में देखेंगे क्योंकि ये डेबिट नोट हमने परचेस के अगेंस्ट बनाया है और GST की परचेस रिपोर्ट GSTR2 में दिखाई देती है। ये देखिए टैक्सेबल अमाउंट में 5000 रुपए माइनस हो गए हैं, साथ ही उस पर लगने वाला टैक्स और ITC भी माइनस में दिखाई दे रहा है। आइए अब इसकी लेजर रिपोर्ट देख लेते हैं। ये देखिए ऊपर 64,900 रुपए परचेज आ रही है और उसके नीचे 5,900 का डेबिट नोट दिखाई पड़ रहा है, यानी अब हमारी परचेज 5,900 रुपए कम हो गई है। तो दोस्तों, डेबिट नोट वीडियो के इस दूसरे भाग में हमने आपको डेबिट नोट के कुछ मुख्य ट्रांजेक्शंस के बारे में बताया। इसके बाद वाली वीडियो जो कि डेबिट नोट का तीसरा भाग है उसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांजेक्शन के बारे में बताएंगे।